हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं अभी मदनपुरे में। वीडियो स्टार्ट करने पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भाई को शूट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरी इंस्टा आईडी, आप उस पर डीएम कर सकते हैं। आइए बात करते हैं काशिफ भाई से। अस्सलाम वालेकुम काशिफ भाई। वालेकुम सलाम भाई, भाई खैरियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। काशिफ भाई, सबसे पहले तो अपना लोकेशन बता दो। अपना लोकेशन भाई भाईकल्ला है जी, भाईकल्ला वेस्ट मुंबई 11 जी, ये शमीम पैलेस के लेन में। ये कोई फेमस होटल भी है यहाँ पे काशिफ भाई? न्यू लाइफ रेस्टोरेंट। ओके, उसके सेंटर में ही है ये गली से? ये गली के ये तरफ में। ये तरफ भाईकल्ला स्टेशन पड़ेगा और यहाँ पे न्यू लाइफ रेस्टोरेंट है भाई। ओके, तो काशिफ भाई अपन ने लास्ट वीडियो बनाए थे, कैसा रहा उसका रिस्पांस? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, बहुत बेहतरीन रिस्पांस था लास्ट वीडियो का। लास्ट वीडियो के रिस्पांस पे कुछ ऑर्डर भी है, अभी भी है जी। जैसे लास्ट टाइम से ज़्यादा स्टॉक, मतलब वैरायटी बता रहे हो ये बार भाई? हाँ, वैरायटी तो बहुत सारी है भाई, देखो तुम्हारे सामने जी भाई। ये लास्ट टाइम की वीडियो से ही ऑर्डर ये क्लिक हुआ है। अच्छा, हाँ, तो ये क्या मटेरियल में है, क्या साइज तक आ जाता है भाई? साइज कुछ भी रहने दो भाई जी, कोई भी साइज रहने दो, सब कस्टमाइज होगी। लास्ट टाइम तुम्हारी वीडियो में मैंने बोला था ना भाई, बड़े से बड़ी साइज खली का भी जूता बन जाएगा जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी दुआ से है ना, रिसेंट में 1.5 महीना पहले मेरे पास पूरा प्रूफ है जी, द ग्रेट खली का भी शूज अपन ने बना के दी। अच्छा, बूट्स बेला वीटा का ऐड किया है उसने जी भाई, उसमें जो उसने बूट्स पहना है काउबॉय बूट्स, वो अपना ही दिया हुआ था, 18 नंबर का जूता। ओके, और बड़े बड़े जैसे पॉलिटिशियन, उनको भी आपने मेरे ख्याल भाई राज ठाकरे का जो शूज पहनता है वो बंटो, आप गूगल पे सर्च करेंगे ना राज ठाकरे शूज, तो सबसे पहले तुमको डिस्क्रिप्शन में मेरा ही ऑप्शन आएगा। अच्छा, अल रजा ड्रेस, हाँ, उसको भी अपना शूज ही गया हुआ है। उसके जो पैर में है चेरी कलर का म्यूल्स, वो अपना ही बनाया हुआ है। ओके, तो काशिफ भाई ये प्योर लेदर में आ जाएगा? प्योर लेदर है, साइज में आ जाएगा, कोई भी साइज में ले लो, कोई भी डिजाइन, कोई भी शेप, कोई सा भी कलर। ओके, तो इसकी स्टार्ट रेंज क्या होती है, क्योंकि लास्ट वीडियो में पब्लिक बोली थी क्या हुआ है, प्राइस वगैरह भी बता दिया करो। डिजाइन पे डिपेंड करता है, अभी जैसे ये बूट्स है जी, एकदम प्रीमियम लेदर में यूज हुआ है, और इसका सोल भी मैं तुमको दिखाता हूँ कैसा रहेगा। ओके, देखो ये सोल है इसका, लेदर सोल, अभी ये पेस्ट होगा, पेस्ट नहीं हुआ है अभी। सोल भी काफ़ी अच्छा हैवी है, हैवी है, और नीचे टायर की ग्रिपिंग भी हुई है जी भाई। तो ये भाई अभी देखो, चीज़ प्रीमियम रहेगी तो उसका रेट भी प्रीमियम रहेगा। 1000 रुपये का लेके 2 महीना पहनो, उससे अच्छा है कि 4000-5000 की चीज़ पहनो, साल साल डेढ़ डेढ़ दो दो साल तक, और ये 2 साल से भी प्लस चलता है भाई। ओके, इसकी गारंटी अपनी है, पेस्टिंग की भी और लेदर की भी, और उसके अंदर तुमको है ना भाई बहुत सारी वेरायटी देखने मिल जाएगी अलग अलग। मैं कस्टमाइज़ क्या होता है वो दिखाता हूँ आपको जी। देखो ये है ना शादी के जूते भाई जी, विराट कोहली डिजाइन बोलते हैं इसको। अच्छा, ये जरदोसी किया हुआ है, हैंड जरदोसी है ये। ओके भाई, टोटल हैंड वर्क है इसके अंदर, शादी में जो शूज पहनते हैं शेरवानी वगैरह जी भाई, वो सब है। ओके, और भी दिखा दो। ये देखो एक डिजाइन, ये कलर में है या डिजाइन अलग है इसकी भाई? भाई ये डिजाइन भी अलग है, कलर भी अलग है। ओके, तो ये हैंड वर्क है, और कौन से कलर है ये? कोई सा भी कलर भाई, तुम जो कलर मांगोगे ना, बरगंडी, चेरी, ब्राउन, सब कलर मिल जाएगा भाई। ओके ठीक है भाई, अब ये डिजाइन देख लो भाई, ये लोफर्स जी, ये ड्रायमिल्ड लेदर है जी भाई, ये भी हर साइज में मिल जाएगा, जो साइज जो कलर से वो मिल जाएगा, कोई सा भी साइज, कोई सा भी डिजाइन, इंशाल्लाह सब मिल जाएगा जी। फिर भी क्या स्टार्टिंग रेंज है ये लोफर? ये जैसे ये सब लोफर शूज़ है ना, ये लाइट वेट सोल में बनाएंगे ना तुम भाई, तो इसका प्राइस तुमको पड़ जाएगा 2000 से 2200 रुपये में। और जो लेदर सोल में रहेगा भाई, उसमें क्वालिटी पे डिपेंड करता है, पतला सोल लगाना है, जाड़ा लगाना है, ग्रिपिंग क्या लगाना है, कस्टमर की जैसी रिक्वायरमेंट की वैसे सोल लगाओ भाई। मैं एकदम सिंपल और सरल भाषा में ये बोलूँगा, पैसे अच्छे खर्च करोगे चीज़ अच्छी मिलेगी जी, पैसे कम खर्च करोगे चीज़ बार बार खरीदनी पड़ेगी जी भाई, सिंपल। ये दुकान नहीं है, कारखाना है, आपको पता है भाई। और देखो एक चीज़ और दिखाता हूँ इसको ब्लैक में। ओके, ब्लैक कलर में, ये देखो ब्लैक कलर में, ये अभी टोटल अनफिनिश्ड है भाई, चिपका नहीं है इसमें सोल होल, अभी इसके सोल होल सब बन रहे हैं, कारीगर यहाँ पे सब बना रहे हैं जी, पूरा काम अपना यहाँ पे ही होता है, पूरी मैन्युफैक्चरिंग और शूज मेकिंग जो भी है। देखो सोल, देखो ध्यान रखो, ये फुल दिखने में नहीं है, हाथ में इतनी हैवी दिख रही है भाई। भाई इसका फिनिश देखो कितना रॉयल फिनिश है जी भाई, ये पूरा हैंडमेड है पूरा टोटल, ये काम साउथ मुंबई में भाई मशीन से कोई नहीं करके देता, ये मशीन ग्राइंडिंग। ओके, हाथ वाला ही मिलेगा, अपना भी हाथ से मगर मशीन फिनिश है पूरा, ऐसा लगेगा कि मशीन से बना हुआ है सोल जी भाई, मगर हाथ से बना है, मशीन से ग्राइंडिंग की हुई है, अल्हम्दुलिल्लाह अपने जैसा कोई नहीं बना के देगा भाई। ठीक है, और क्या है अपने पास भाई अभी न्यू स्टॉक में भाई? फॉर्मल शूज जिसको बोलेंगे, डबल मॉन्ग शूज है भाई। ओके, शेप पॉइंटेड, कस्टमर को पॉइंटेड चाहिए था, पॉइंटेड जी, आजकल ट्रेंड भी चल रहा है पॉइंटेड पहनने का,
प्योर जेन्युइन लेदर है भाई। ये एक वेलवेट वाला बता दो ना साजिद भाई। ये वेलवेट वाली पठानी, ये रेक्सिन है भाई, वेलवेट रेक्सिन है, ये लेदर है। ओके, धूल मिट्टी जमी है भाई, थोड़ा बाहर रखा हुआ है निकाल के। ए, थोड़ी मुजरी टाइप है ये, पठानी है, पेशावरी। अच्छा, है भाई। ओके ओके ठीक है राजीव भाई। और भी बहुत सी डिजाइन है भाई, देखो एक सोल की तुमको डिफरेंस भी बता देता हूँ भाई। सोल है ना, देखो जैसे इसमें फुल सूती लगी हुई है जी, और ये फुल सूती के बाद में यहाँ से हाफ ये डिजाइन देने के लिए इटालियन डिजाइन सोल है भाई। अच्छा, ये भी है ना भाई, साउथ मुंबई में हैंडमेड कोई बना के नहीं देगा, अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास आपको ये भी मिलेगा। मतलब सोल में भी वैरायटी है, शूज में भी वैरायटी है, और कस्टमाइज भी करके देते हो काशिफ भाई, जैसे जो शूज अगर कोई बाहर से फोटो लेके आता है वैसे डिट्टो बना के देते हो। हमारे वीडियो से ऑर्डर आए थे ना भाई, वो शूज बना के दिया अलग। ओके, तो क्वांटिटी में भी बनाते होगे मेरे ख्याल से एकदम। बल्क में काम बहुत कम करते हैं भाई, 5-6 जोड़ी 10 जोड़ी जी, कोई लॉट वाले का आ गया तो अपन कर देते हैं, बाकी काम टोटल 1-2 जोड़ी का ही है जिसमें कस्टमाइज करके देते हो। ओके, तो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो तुम बताओ जी। मतलब ये जैसे अभी कोई शूज़ का फोटो भेजते हैं आपको व्हाट्सएप पे, तो उसका प्रोसेस क्या होता है काशिफ भाई? जैसे मैं कोई समझो हैदराबाद से अगर कोई फोटो भेजता है आपको भाई, देखो तो हैदराबाद से भेजेगा उसका आना तो यहाँ पॉसिबल होगा नहीं जी, जूते के लिए जी भाई। तो भाई पैर का मेजरमेंट हम लोग बताते हैं, मैं सैंपल भेज देता हूँ, पैर का मेजरमेंट ले लेंगे ना तो वैसा आप मेरे को मेजरमेंट लेके मेजर कर दो उसको और फोटो भेज दो, तो वो मेरे पास उसका मेजरमेंट आ गया तो मेरे को मालूम पड़ जाएगा क्या फर्मे में बनना है वो। ओके, तो डिज़ाइन आप कन्फर्म कर लो, लेदर कन्फर्म कर लो, आपका जूता बन जाएगा। और आपको पहले एक एडवांस पे करना पड़ेगा 500 या 1000 रुपीज़, और रिमेनिंग जो अमाउंट रहेगा बैलेंस अमाउंट जी, यहाँ से जब शूज़ मैं डिस्पैच करूँगा जी, मतलब ओवर इंडिया डिलीवरी भी हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अभी मैंने दुबई में डाला हुआ है। अच्छा, माशाल्लाह भाई, भाई यार दुबई भी भेजा था जूता जी, अपने पॉसिबल है भाई, बस पेमेंट पहले लगेगी जी, बनने से पहले जी। अगर किसी को समझो शॉप पे आके लाइव देख के जो भी बेहतर है ना भाई डिस्कशन करना है, तो क्या टाइमिंग है शॉप का भाई अपना? शॉप का जोहरबाद से लेके ईशा तक के मतलब 9 बजे तक के पॉसिबल हो जी। ओके, नंबर बता दो ना काशिफ भाई का, 3699-40229। ये कॉलिंग व्हाट्सएप दोनों भी है भाई, व्हाट्सएप दोनों 24/7 अवेलेबल है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई।